संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम, श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, श्री समेध शिखर जी, श्री आदि सृष्टि धन प्रभावना समिति दिल्ली, सृष्टि मंगलम सेवा समिति श्री महावीर जी, आहार औषध अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है यह चार प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धन प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीब को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धन प्रभावना। मेरा नाम आशु है, मैं एक टीचर थी। अब उस दौरान मेरा स्कूल बंद हो गया, मेरे को सांस की प्रॉब्लम है, अस्थमा की प्रॉब्लम है। फिर मुझे एक बेटी मिली, उसका नाम अपेक्षा है। उन्होंने मुझे माताजी के लिए बोला कि माँ बहुत सबकी सहायता करती हैं, माताजी मेरी कुछ समय से सहायता कर रही हैं। मैं माँ आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ, सदा आपकी आभारी रहूँगी। माँ आपके बारे में, आपसे मेरी बात हुई थी, आपके बारे में लोग ऐसे कहते हैं ये माँ, मैं नहीं जानती, मैंने किसी लक्ष्मी को, पार्वती को, भोले को नहीं देखा, मैंने आपको देखा। मैं उस समय डूब गई थी पूरी तरह माँ, जब मेरा कोई नहीं था, मेरे अपनों ने साथ छोड़ दिया, पर आपने मेरा हाथ संभाला। आप साक्षात देवी हो, आप साक्षात अन्नपूर्णा हो माँ, मैं आपको शत शत नमन करती हूँ। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धन प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार पिच्छी कमंडल वस्त्र शास्त्र औषधि दान आदि व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। महादान आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। तो आप भी मात्र 2100 रुपए राशि से एक दिवसीय आहार व्यवस्था में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का अर्जन करें। एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,51,000 रुपए। माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़ें और करें महापुण्य का अर्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति अकाउंट नंबर 0119010003249, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 02120101177277, IFSC कोड PUNB0021200। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसिप्ट प्रदान करने हेतु संपर्क करें 9376571003 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती रामप्यारी बाई, अध्यापिका मुंगावली वाले, सर्वज्ञ ज्वेलर्स, संस्थापिका सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, निवासी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, स्वर्गीय श्री हेमचंद्र जैन पुष्पांजलि पीतमपुरा एवं स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन की स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधु श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन, सृष्टि मंगलम सेवा समिति में धर्म रक्षक का पद प्राप्त किया, श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, निवासी पुष्पांजलि पीतमपुरा, अध्यक्ष रामनगर अहित क्षेत्र श्री विनोद बिहारी, श्रीमती मिथिलेश मोठिया, निवासी रामपुर उत्तर प्रदेश, श्री सुभाष जैन, श्रीमती उमा रानी जैन, निवासी सहारनपुर नानौता वाले, श्री रविंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती वीना जैन, पुत्र पुत्र वधु श्री राजीव जैन, श्रीमती पूजा जैन, श्री अरुण जैन, श्रीमती निधि जैन, पुत्री दामाद श्रीमती ऋतु, श्री संजीव जैन, पौत्र पौत्री तुषार विपुल वैशाली गरिमा सम्यक रोहन शौर्य राणा प्रताप बाग दिल्ली। राग देश कर तार कथा कबहू न सुनीजे, औरऊ अनरथ दंडे तु अगते ने नकीजे। आचार्यों ने कहा है कि यदि मन को शुद्ध रखना है तो हमें वाणी को शुद्ध रखना होगा,
हमें किसी की भी कथाएं न सुनना है न बोलना है, अपनी जुबान से व्यर्थ की बकवास नहीं करना है। आज आदमी काम का तो घंटे भर भी नहीं बोलता, 23 घंटे व्यर्थ की बातें बोलता है। जागते तो बोलता है, सोते हुए भी बोलता है। आपने देखा होगा आदमी सोते हुए भी सपनों में कुछ कुछ बोलता है, चलते हुए बोलता है। उसे बोलने की आदत ऐसी पड़ गई है कि कहीं भी हो कुछ भी वो बोलता रहता है। आप एक दूसरे से बात भी करते हैं तो भी कुछ बोलते रहते हैं, क्योंकि एक दूसरे को सिर्फ सुनाने की आदत पड़ी है, सुनने की आदत किसी को नहीं है। यदि सुनने की आदत आ जाएगी तो आपका विरोध खत्म हो जाएगा, लेकिन आजकल आदमी सुनना बंद कर दिया, सुनाना चालू कर दिया। हर आदमी बोलना चाहता है लेकिन सुनना नहीं चाहता। जिस दिन सुनना आ जाएगा उस दिन जीवन में शांति आ जाएगी। आपको लगता है आप मित्रों से बात कर रहे हैं, मित्र सोचता है ये चुप हो तो मैं अपनी बोलूं, लेकिन बोलना एक आदत बन गई, बोलना एक बीमारी हो गई है, बोलना एक जीवन की हैबिट हो गई है। हमें चाहिए कि हम बोलने के पहले तौलें। कभी भी ऐसे वचन नहीं बोलें, हम अपने वचनों को ऐसा ना बोलें जिससे कलह हो जाए, जिससे द्वंद हो जाए, जिससे विरोध हो जाए। आप सबको पता है कि एक द्रौपदी की हंसी मजाक के शब्दों ने कैसा, कहते भूचाल ला दिया जिंदगी में, कितनी आपत्तियों का सामना करा दिया, क्योंकि अंधों के अंधे होते हैं। ऐसा हमारे यहाँ आचार्यों ने कहा है, ऐसे हमारे आचार्यों ने कहा है ऐसे शब्दों को कि वो असत्य की कोटी में आते हैं, जो कर्कश हों, मर्मभेदी हों, किसी के दिल में आग लगा दें, किसी के दिल में विरोध पैदा कर दें, किसी के दिलों में दरारें ला दें, ऐसे शब्द में कभी नहीं बोलना चाहिए। आपने देखा आज इंसान कट्टू से कट्टू बोलता है, चीनी तो खाता है लेकिन मीठा नहीं बोल पाता है। और मैं तो कहती हूँ कि चीनी खाओ या ना खाओ, बोली में मिठास ज़रूर लाओ। बोली की मिठास होगी तो आप हर क्षेत्र में आदर पाएंगे, सम्मान पाएंगे, सफल हो जाएंगे। लेकिन आजकल आदमी कटुता ला रहा है, जीवन में इतनी कर्कशता है उसके अंदर कि वो दो शब्द प्यार से नहीं बोलता है। दो शब्द किसी के लिए सहानुभूति के शब्द नहीं निकलते हैं। सुबह से शाम तक आदमी उलझा हुआ है, कोई भी बात करने की कोशिश करे तो उसने अपने दिल को नाला बना लिया है कि कुछ भी डालो गंदगी लौट कर आती है। कोई कायदे की बात कहे तो भी सुनना नहीं चाहता है। हमारे आचार्यों ने कहा है कि अंधों के अंधे होते हैं इस जरा सी मनोविनोद के कारण, क्योंकि कहते हैं रोग की जड़ हांसे। हमारे कहा भी आचार्यों ने कि वास्तव में राग द्वेष करतार कथा कवाऊँ न सुने जे, ना तो राग की कथा करो उससे भी तुम्हें मदरा आ जाएगी, और ना द्वेष की कथा करो, क्योंकि जब आपकी कोई तारीफ करता है तो आप फिसल जाते हैं। मत फिसलो ऊपर की सफाई पर, वर्क चांदी का चढ़ाए गोबर की मिठाई पर। कोई आपसे कह देता है आप तो हमारे सरताज हैं, आप खुश हो जाते हैं। सोच कर देखना क्या सरताज हो। आपसे कोई कह देता है कि आप बहुत अच्छे लगते हो, आप सोचते हैं हम बहुत अच्छे लगते हैं। क्या लगने जैसा है? अच्छा तो वही लग सकता है जो परमात्मा के निकट हो, अच्छा वही लग सकता है जो आगम में कहा है, अच्छा वही हो सकता है जो कि हित मित प्रिय हो, अच्छा वही हो सकता है। क्योंकि यदि अच्छा वह होगा, दिल अच्छा होगा तो वाणी भी अच्छी निकलेगी, वाणी अच्छी होगी तो व्यवहार भी अच्छा होगा। हमारे आचार्य ने बड़ी सुंदर बात कही है कि जिसका मन अच्छा नहीं उसकी वाणी भी अच्छी नहीं निकलती। आपने देखा हो बुखार में हो, तकलीफ़ में हो, ज़्यादा वेदना में हो तो आपके शब्द भी ऐसे हो जाते हैं, दयनीय हो जाते हैं। आपके शब्द भी दयनीय हो जाते हैं, करुणापूर्ण हो जाते हैं। इसलिए अपने शब्दों से आपके अंदर की अभिव्यक्ति होना चाहिए कि आप सुखी हैं या दुखी हैं, आप कैसे हैं, ये आपके शब्द आपके परिचय देते हैं। आप कैसे हैं, कौन हैं, आपका परिचय शब्द दे देते हैं। आपने देखा होगा बड़े बड़ाई ना करें, बड़े ना बोलें, बोल हीरा मुख से ना कहे बड़ो हमारा मोल। बड़े लोग हमेशा शब्द अच्छे बोलते हैं, आदर के बोलते हैं, उपकार के बोलते हैं, हमदर्दी के शब्द निकलते हैं उनके अंदर से। एक व्यक्ति, एक अंधा एक राह पर बैठा हुआ था, और उधर से किसी ने आकर पूछा
कि यहाँ से कौन गया है। उसने कहा कि यहाँ से राजा गए हैं, यहाँ से एक संत गए हैं, और यहाँ से मंत्री गए हैं, और यहाँ से सिपाही गया। आने वाले व्यक्ति ने कहा कि आपको दिखता नहीं, आप कहते हैं कि आपको बिल्कुल नहीं दिखता, आपने कैसे देखा कि राजा गया, संत गया, मंत्री गया और सिपाही गया। उसने कहा मैंने दिखता नहीं, ये सही कहा। उस फकीर ने कहा मुझे दिखता नहीं, मैंने सच कहा, लेकिन मैंने वाणी से अंदाज लगा लिया कि कौन कौन गया। उसने कहा तुम्हें कैसे अंदाज लगा, तुमने वाणी से कैसे बता दिया कि राजा गया है। उसने कहा कि जब राजा गया तो राजा ने बड़े आदर से कहा था कि महात्मा जी नमस्कार हो, ये रास्ता किधर को जाता है। मैंने कहा कि चले जाओ, ये रास्ता गांव को जाता है। जब संत जी आए तो उन्होंने भी राम राम की, भगवान का नाम लिया और बड़े अच्छे से कहा महात्मा जी ये रास्ता किधर को जाता है। मैंने उसे जवाब दिया कि महात्मा जी इधर को जाता है, लेकिन क्योंकि महात्मा ही महात्मा से अच्छे शब्द बोल सकता है कि महान आत्मा का आभास हो सकता है। जब संत गया तो उसने मुझे महान आत्मा का संबोधन किया, मैं समझ गया कि कोई महापुरुष है तभी इतना सुंदर संबोधन कर रहा है। लेकिन उसके बाद मंत्री आया, उसने कहा ओ फकीर ये रास्ता किधर को जाता है। मैं समझ गया कि ये कोई प्रशासनिक आदमी है, लेकिन इसमें इतनी तहजीब नहीं, इतने आदर से नहीं बोला, ज़रूर कोई मंत्री होगा। लेकिन अंत में एक सिपाही निकला और उसने कहा अबे बड्डे ये रास्ता किधर जाता है। मैं समझ गया कि ये सैनिक ही हो सकता है, इतनी ऊँची बात सा बोलता है, क्योंकि इसे लोगों को प्रताड़ना देते देते, सजा देते देते इसकी वाणी की गरिमा खो गई है। और सच्चाई यही है कि अंधे ने बिना आँख होते हुए भी उनकी वाणी से अंदाज लगा लिया। आप भी देखना, यदि आप बड़े घर के हैं, संस्कारित घर के हैं, यदि आपका जीवन बहुत उच्च संस्कारों से पला हुआ है तो आपके शब्द बहुत नपे तुले प्रिय निकलेंगे, और यदि आप छचोड़े घर के हैं, यदि आप ओछे घर के हैं तो आपके शब्द अहंकार पूर्ण निकलेंगे। आपकी चाल बता देती कि आप कैसे घर के हैं। जो नम्र व्यक्ति होगा वो बड़ी अच्छे से चलेगा, बड़ों का आदर करेगा, बड़ों के आने पर खड़ा हो जाएगा, उनसे प्रेमपूर्ण शब्द कहेगा। लेकिन जो ओछे घर के लोग होंगे, अधजल गगरी छलकत जाए, नया नया ज्ञान हो, नया पैसा हो तो ज़्यादा उछाले मारता है। लेकिन जो संस्कारित घर का व्यक्ति है वो राग देश करता कभी नहीं करेगा। उसे पता है कि इतनी सी जिंदगी मिली है, इसके लिए आप शब्द क्यों बोले जाएं? जिस शब्दों के माध्यम से अपने मुख को गंगा सागर बनाया जाता है, गंगा सागर बनाया जा सकता है। जिन शब्दों के माध्यम से गंगोत्री प्रवाहित हो सकती है उसे गंदा नाला क्यों बनाए? इसलिए वो अच्छे शब्द बोलेगा। तो आप लोग भी चाहते हैं कि अपने मुख को गंगा सागर बनाए, गंगोत्री बनाए, तो आप अपने शब्दों को बहुत संभल कर बोलें। क्योंकि आज आदमी झूठा दस्तावेज कर रहा है, चुगली कर रहा है, शिकायतें कर रहा है, एक दूसरे की पोल खोलने में लगा हुआ है, एक दूसरे की ऐप बताने में लगा हुआ है, एक दूसरे को नीचे गिराने में लगा हुआ है। ये सब नीचे गिरने की निशानी है, क्योंकि सज्जन व्यक्ति को तो दुर्जन के भी दोस्त नज़र नहीं आते। उसे तो किसी पर अफसोस ही नहीं होता, उसे तो दया का पात्र है वो व्यक्ति। आपने देखा आज के समय में अपराधियों को मुक्ति मिल जाती है, उन्हें अपराधी सजा पाता है। आज वकील क्या करते हैं, उन्हें सच्चाई पता होती है लेकिन पैसे के नाम पर ईमान बेच देते हैं, अपना धर्म बेच देते हैं, तमाम ज़िंदगी किसी को आंसू बहाने के लिए मजबूर कर देते हैं, दो पैसों के लिए। हमारे आचार्य तो कहते हैं मजाक में भी किसी से ऐसे शब्द मत बोलना कि उसे चुप जाए, क्योंकि मंत्रा के एक शब्दों ने भूचाल ला दिया था। केकई जैसी ज्ञानी महिला को बदनाम कर दिया। आज सदियों के बाद भी कोई अपनी बेटी का नाम केकई नहीं रखता, जबकि केकई तो बहुत विशाल ज्ञानी, विदुषी और साहसी
और एक सस चलाने वाली महिला थी। इतने उसके गुण एक दुर्गुण ने, हवस अरमान इंसा के कभी पूरे नहीं होते, अगरचे दिल से इसका मुद्दा निकले तो अच्छा है। मंत्रा ने यही सोचा था ना कि जिस दिन के कई राजमाता बन जाएगी, भरत को राज हो जाएगा, उस दिन ये गलियारे ये राजपथ केकई के जयकारों से पट जाएगा। उसे केकई को समझाया भी था उसने यही कि केकई तू क्या जानती है, अरे सौत की तो चून की सौत भी बुरी होती है। मंत्रा को केकई ने यही समझाया था कि बेटा तू अभी बालक है, बालक बुद्धि है, तूने भी देखा ही क्या है, मैंने अनुभव में बाल पकाए हैं, और तू क्या चाहती है कि तेरा जीवन ऐसा उदास हो जाए, मैं नहीं चाहती हूँ, मैंने तुझे बेटी की तरह पाला है। तू अभी कहती है कि राम तुझे बहुत चाहता है, कौशल्या तुझे बहुत चाहती है, लेकिन तू नहीं जानती है ये सब राम को राज्य दिलाना चाहते इसलिए चाहते हैं। सौत की तो बात ही अलग होती है, चून की सौत हो वो भी खतरनाक होती है, फिर तो तेरी साक्षात सौत है। जिस दिन राम राजा हो जाएंगे उस दिन तुझे कौन पूछेगा, जिस दिन राम राजा हो जाएंगे उस दिन तू एक कोने में पड़ी होगी, लेकिन तू मांग ले, तेरे पास अवसर है, तू मांग ले अपने वचन और कह दे भरत को राज्य दिला दे। तू चिंता मत कर, राम को तुझे कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, राम चला जाएगा वनवास, भरत को राज्य मिलेगा तो क्या करेगा राम यहाँ। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती मिथिलेश जैन, श्री मुकुल जैन विनीश, चीना जैन, निवोदिता जैन, डॉक्टर आकाश जैन, खंडेलवाल कोल एंटरप्राइजेस, मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, श्री सुरेंद्र कुमार जैन, श्रीमती रुकमणी जैन, श्री मुदित जैन, श्रीमती छवि जैन, परिधि जैन, पारस जैन, रामगंगा विहार, मुरादाबाद, श्री पारस दास, शांति देवी जैन, खंडेलवाल परिवार, दिनेश कुमार जैन, अखिलेश कुमार जैन, योगेश कुमार जैन, श्री सर्वेश जैन जी, रामपुर उत्तर प्रदेश, श्रीमती सुशीला देवी बाकलीवाल, विनोद कुमार, श्रीमती कमलेश, विपिन कुमार, अनीता, सागर, मनाली, शोभित, ज्योति, अर्चित, सुरभि, अलका, प्रवीण जी, हर्षवर्धन, पूजा, पूर्वी, राहुल, तने, मुंबई, गोल्डी जैन, जयमाला जैन, मनिका जैन, विधान जैन, एकार्थ जैन, गुलाब वाटिका, लोनी, गाजियाबाद, श्री इच्छा पूरन जैन, श्रीमती कमलेश जैन एवं समस्त परिवार, नई दिल्ली, श्रीमान मनीष कुमार जैन, श्रीमती नीति जैन, ऋषभ जैन, ऋषिका जैन, बरेली, एक ऐसी संस्था जो जैन आगम के पंथ पर बढ़ने वाले साधुओं की सेवा में दे रही है अपना योगदान और उनके आहार विहार में निभा रही है अपनी अहम भूमिका। साधु सेवा धाम भगवान पार्श्वनाथ धाम काकोरी लखनऊ, जो विहार न करने वाले साधुओं के आहार एवं विश्राम की कर रही है संपूर्ण व्यवस्था। आप भी ऐसी ही संस्था के साथ जुड़कर करें अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग। एक दिन का आहार मात्र 2100 रुपए एवं आजीवन 11000 रुपए। इसके अलावा वर्ष में 2 दिन आपकी ओर से आहार एवं आपका नाम शिलापट पर किया जाएगा अंकित। बैंक डिटेल्स, भगवान पार्श्वनाथ धाम ट्रस्ट, बैंक ऑफ बड़ौदा, चौक ब्रांच लखनऊ, खाता संख्या 06450100029154, कोड। दान राशि एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7007783995, 9452017984। कर्नाटक राज्य की पुण्य भूमि श्रवण बेलगोला एवं राजधानी बेंगलुरु में स्वर्गीय श्री निर्मल कुमार जैन सेठी जी की स्मृति दिवस पर अभिनव स्वस्ति श्री चारुकीर्ति भट्टारक स्वामी जी के मंगल आशीर्वाद एवं सानिध्य में मनाया जा रहा है जैन धरोहर दिवस, जहां 27 अप्रैल 2024 को श्रवण बेलगोला के चामुण राय मंडप जैन मठ में आयोजित होने वाले समारोह की अध्यक्षता परम पूज्य स्वस्ति श्री भुवन कीर्ति भट्टारक स्वामी जी कनकगिरी करेंगे। तो वहीं 28 अप्रैल 2024 को बेंगलुरु के आचार्य महाप्रज्ञ चेतना केंद्र में अध्यक्षता करेंगे राज्य सभा सांसद श्रीमान नवीन जैन जी एवं मुख्य अतिथि होंगे श्रीमान सुरेंद्र हेगड़े। तो आइए भावों की इन पावन क्षणिकाओं में आप और हम जैन समाज के उत्थान और कल्याण में विपुल योगदान देने वाले स्वर्गीय श्री निर्मल कुमार जैन सेठी जी के कृतित्व का गुणानुवाद कर उन्हें भावों के पुष्प समर्पित करें। विशेष समस्त जैन समाज से अनुरोध है कि 27 अप्रैल 2024 को राष्ट्रीय स्तर पर मनाए जा रहे स्वर्गीय श्री निर्मल कुमार जैन सेठी जी के स्मृति दिवस को आप भी स्थानीय स्तर पर जैन धरोहर दिवस के रूप में मनाकर उनके योगदान के प्रति अपने अर्घ्य समर्पित करें।